हेलो, देखिए आपका एविडेंस में भाई आप आज से शुरू किया जाए। थोड़ा एक दो दिन रुक गया था आपका सीआरपीसी के कारण। देखिए आपका कल से भाई बता दिया जाए फिर एक बार शेड्यूल। कल पहले आईपीसी चलेगी, एविडेंस लास्ट में चलेगा। धीरे धीरे एविडेंस चलते रहने दीजिए और एक एक सब्जेक्ट आपका निकाला जाए। तो पहले आईपीसी, अब जितना 1.5 पौने 2 घंटा खींच जाए उतना खींचा जाएगा। और प्रयास ये किया जाए कि 60-70 धारा आपका डेली हो कम से कम। हाँ, अरे रिवीजन का इसके बाहर कहाँ जाता है भाई, 90% आ ही जाएगा। अब किस में कितना दम है पढ़ने में, अब वो जाने पढ़े कि नहीं आएगा भाई। इतिहास तो यही कहता है कि आ जाना चाहिए 90%। अब देखिए 10 क्वेश्चन तो टेक्निकल बनते हैं। एक दिन भाई लोग कह रहे हैं केस और सिद्धांत, तो देखते हैं रविवार को एकत्रित करवा देंगे। यानी कि केस और सिद्धांत से आपका 20-25 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन। तो उसका तरीका यह है कि एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी और संविधान, जितने महत्वपूर्ण केस हैं नए पुराने, और जिस धारा में या अनुच्छेद में जो प्रिंसिपल है इसे क्वेश्चन बनता है, और केस का उपनाम, एक दो क्वेश्चन आपका उपनाम आ जाता है, जैसे मिर्जा अकबर का केस, ब्राइड इन बात हो गया 15 में एविडेंस के, या आपका आंसू वाला केस पलविंदर कौर का। तो ये सब हम प्रयास करेंगे रविवार को। आपका एक्स्ट्रा क्लास इस बार लगेगा भाई, रविवार को इस बार एक्स्ट्रा क्लास लगेगा आईपीसी एविडेंस सबका। देखिए एविडेंस में आपका चल रहा था भाई 91-92 बाद में पढ़ाया जाएगा, ये समझा दिया गया था। आपका 93 से भूमिका बांधी गई थी, और आपका आज बेयर एक्ट, भूमिका नहीं डायरेक्ट बेयर एक्ट पर आई है। इधर से आपका एक क्वेश्चन बनता है, कई लोग झारखंड में गलत कर दिए थे, तो भाई प्रयास ये किया जाए कि अगर बिहार में ये सब क्वेश्चन आए तो भाई लोगों का गलत ना हो, भले थोड़ा स्लो चले एविडेंस आपका, क्योंकि एविडेंस सबसे छोटा है। स्लो भी चलाया जाएगा तो 3-4 दिन में अपने आप निपट जाएगा। अगर 20-25 धारा भी खींचा जाए तो अपने आप निपट जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई टेक्निकल क्वेश्चन पकड़ने का प्रयास करिए हर एक धारा से। आइए देखा जाए आपका 93 देखा जाए। देखिए आपका भाई 93 और 94 प्रत्यक्ष त्रुटि से संबंधित है, या पेटेंट डिफेक्ट, या प्रत्यक्ष संदिग्धता, या प्रत्यक्ष गलती। ये याद रखिए, इस गलती को सुधारने के लिए कोई साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, यानी कि कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। मैं उदाहरण भी बताया था कि अगर किसी का चेहरा क्रूप हो तो लाख क्रीम पाउडर लगाए आपका वह सही नहीं हो सकता, वह प्रत्यक्ष त्रुटि है। लेकिन दिल में खोट है तो उसको समझा बुझा कर क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। और ये आपका आएगा 95, 96 और 97, दिल में खोट वाली। तो आइए देखा जाए आपका पहले बाहरी खोट देखा जाए। देखिए भाई धारा 93, संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन, अपवर्जन मैंने रोक दिया गया है। देखिए बेरेट की भाषा, जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या एम्बिगुअस या त्रुटिपूर्ण है। यानी कि देखते ही का मतलब हुआ प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई का मतलब कि एक बार दस्तावेज पढ़ा गया और तभी मालूम चल गया कि इसकी भाषा क्या है, संदिग्ध है या भाषा में दोष है। तो क्या उस संदिग्धता या त्रुटि को सुधारने के लिए कोई साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं, तो आपका क्या जवाब रहेगा, ग्राह्य नहीं होगा। यही झारखंड बनाया था कि क्या उसका अर्थ या त्रुटियों की पूर्ति की जा सकेगी कि नहीं, तो बस एक लाइन में उन गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। यानी कि बाह्य साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, या दे दे कि क्या उस त्रुटि को दूर किया जा सकता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, नहीं। यही झारखंड ने बनाया था, और एक दो लोग भाई गलत करके आए थे,
दृष्टांत बनाया था। देखिए दृष्टांत सब तैयार करके जाइएगा इधर। पहला दृष्टांत घोड़ा वाला झारखंड ने बनाया था, कई जगह आ चुका है। देखिए ख को क 1000 रुपये या 1500 रुपये में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है, यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था। अब चार ऑप्शन देगा, साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, साक्ष्य दिया जा सकता है, तीसरा दे देगा दिया भी जा सकता है नहीं भी, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? इस गलती को सुधारने के लिए साक्ष्य अब दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये गलती पेटेंट है, और जब घोड़ा बेचने का लोग करार कर रहे थे उसी समय ये निर्धारित कर लेते कि घोड़ा 1000 में बेचा जाएगा कि 1500 में, और ये अनिश्चितता के कारण कॉन्ट्रैक्ट या संविदा अधिनियम में यह करार संविदा अधिनियम की धारा के तहत भी शून्य है। 29 कौन सी धारा? 29। तो भाई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। दूसरा आपका विलेख में हमने बताया था, वसीयत वाला उदाहरण हमने बताया था। देखिए दूसरा उदाहरण, किसी विलेख में रिक्त स्थान है, तो क्या उन स्थानों की पूर्ति के लिए आपका साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं दिया जा सकता। अब आ जाइए 94 आइए भाई, धारा 93 दोनों दृष्टांत रट कर जाइएगा, दृष्टांत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। इसका मतलब 94 में ये है कि भाषा भी सही है और वह भाषा विद्यमान तथ्यों पर पूरी तरह लागू होती है, तो यह दर्शित करने के लिए कि यह भाषा दूसरी जगह लागू होती है अब इस बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, यानी कि साक्ष्य का क्या कर दिया जाएगा? अपवर्जन। अब देखिए आपका उदाहरण सटीक देखिए तब सही रहेगा। ख को क रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा दृष्टांत पूछा गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी उदाहरण आ चुका है यूपी में। ख को क रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है। क के पास रामपुर में 100 बीघे वाली संपदा है, तो अब क्या ये दिखाया जाए कि नहीं? नहीं, श्यामपुर में जमीन बेचने का इरादा था। तो जब दस्तावेज की भाषा सही और रामपुर में 100 बीघा संपदा ए के पास है और दस्तावेज में लिखा भी गया है कि मैं रामपुर वाली संपदा ही 100 बीघा बी को बेच रहा हूँ, तो क्या ये साक्ष्य दिया जा सकता है कि पक्षकारों का इरादा कोई और संपदा बेचने का था? नहीं, क्योंकि तो सब भाषा भी सही और रामपुर में 100 बीघा जमीन पर वह भाषा पूरी तरह फिट होती है, तो इसको खंडन नहीं किया जा सकता। आइए आपका 95, 96 और 97 से भी दृष्टांत और धारा पूछी जाती है। यहाँ लेटेंट डिफेक्ट है, लेटेंट मतलब अंतर्निहित गलती है, यानी कि समाहित गलती है, निहित गलती है। निहित गलतियाँ वे गलतियाँ होती हैं जो दस्तावेज पढ़ने से मालूम नहीं होती, लेकिन जब दस्तावेज को लागू किया जाता है तब मालूम चलती है। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। तो किस गलती को सुधारने के लिए साक्ष्य ग्राह्य होगा? लेटेंट की पेटेंट, लेटेंट और पेटेंट नहीं। तो लेटेंट गलती किस धारा में? पहले धारा भी याद रखे, 3 धारा कौन कौन? 95, 96 और किस में? 97। अब आइए देखा जाए आप, यानी कि जो मन के अंदर लोग माने लोगों का व्यू बैठा है, चोर बैठा है, उस चोर को निकाला जा सकता है ब्रेन वॉश करके, समझा के। अब एक उदाहरण पहले देखिए, तब 3 धारा है तो 2 लाइन की है, यानी कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। धारा में दम नहीं है, धारा तो 2-2 मिनट में निपट जाएगी इधर की धारा है, लेकिन दिमाग स्थिर करके जो एविडेंस में कंसेप्ट आता है
वह कंसेप्ट ही महत्वपूर्ण है। धारा आपको तो भाई पढ़ना ही है। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में कोई दोष नहीं है, लेकिन जब तक कि इसको लागू करने वाले सही न हो, संविधान अच्छा कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार आपका यानी कि संविधान की भाषा में दोष नहीं है, जब संविधान की भाषा को धरातल पर क्या किया जाता है लागू, तब दोष उत्पन्न होता है, तो उस दोष को चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट देखता है कि क्या संविधान की बातों को सही ढंग से लागू किया गया है कि नहीं। उसी प्रकार 95, 96, 97 में भाषा में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब भाषा को अप्लाई किया जाता है तब उसमें दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए साक्ष्य ग्राही होगा, यानी कि उस दिक्कत को न्यायालय में आपका मौखिक साक्ष्य देकर क्या किया जा सकता है, दूर। इसी को लेटेंट डिफेक्ट कहा जाता है, अप्रत्यक्ष त्रुटि या अंतर्निहित त्रुटि। देखिए 95, विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। 95, जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, तो अभी हमने बताया क्या भाषा में कोई दोष है, नहीं, किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन है, यानी कि जब उस भाषा को धरातल पर लागू किया जाता है तो वह धरातल पर लागू होने में दिक्कत कर रही है, तो ऐसी दशा में यह साक्ष्य दिया जा सकता है कि यह भाषा किस विद्यमान तथ्य पर लागू होती है, और उदाहरण कलकत्ते और हावड़ा का है, अच्छे से इसको भी तैयार रखिएगा। कौन? कलकत्ता और हावड़ा, ये भी पूछा जा चुका है। ए अपना कलकत्ते का मकान बी को बेचता है, वास्तव में ए के पास कलकत्ते में मकान ही नहीं है, लेकिन हावड़ा में उसी नाप का, उसी ढंग का और उसी मॉडल का मकान ए का हावड़ा में है, यानी कि विद्यमान भाषा में गलती नहीं है। ए ने कहा है कि मैं कलकत्ते का मकान बी को बेच रहा हूँ, और जब कलकत्ते में भाषा को लागू कराने गया आदमी, यानी कि विद्यमान तथ्यों पर लागू कराने, तो पता लगा कि ये भाषा कलकत्ते में लागू न होकर कहाँ लागू हो रही है, हावड़ा में, तो क्या इस बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं, कि एक इरादा आपका कलकत्ते का मकान बेचने का नहीं था, हावड़ा का था, वो तो भाषा कलकत्ता लिख दी गई, दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है, क्योंकि सेम मकान कहाँ है उसका, हावड़ा में, तो कलकत्ता हावड़ा भी याद रखना है, रामपुर का खेत और घोड़ा और आपका विलेख में रिक्त स्थान, चार उदाहरण चले, चारों याद रखिएगा। देखिए धारा 95 के बाद 96, उस भाषा के लागू होने के बारे में जो साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से एक को लागू हो सकती है। अब देखिए यहाँ भी पूछा जाता है घोड़ा और एक आपका हैदराबाद, पहला घोड़े का और दूसरे का कौन उदाहरण, हैदराबाद। ध्यान से इसको भी समझिए, दो ही लाइन की है धारा। भाषा में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन जब भाषा को धरातल पर लागू किया जाता है, यानी कि विद्यमान तथ्यों पर लागू किया जाता है, तब वह एक से अधिक वस्तुओं या एक से अधिक व्यक्तियों पर लागू होती है, तो धारा 96 कहती है कि यह भाषा किस वस्तु पर लागू हो या किस व्यक्ति पर, इसके लिए साक्ष्य ग्राही होगा, यानी कि इस कमी की पूर्ति के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है, और दो उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से समझिए, ये उदाहरण भी लगातार कंपटीशन में आते हैं। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं 1000 रुपया में तुम्हें अपना सफ़ेद घोड़ा बेचूंगा, तो बताइए भाषा में कोई कमी है, घोड़ा बेचना है, कीमत भी निश्चित है, और कैसा घोड़ा बेचना है आपका, सफ़ेद और करार लिखित में, सब कुछ सही है।
लेकिन जब घोड़ा बेचने की बारी आई तो पता लगा कि एक के पास तो दो घोड़े निकल गए, एक दो सफेद घोड़े। अब कौन सफेद घोड़ा बेचना था, यानी कि भाषा में कोई गलती नहीं। और भाषा जब विद्यमान तथ्य पर लागू की गई तो दो वस्तुओं यानी कि दो घोड़ों पर लागू हो रही है, तो क्या ये साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं कि कौन सा घोड़ा बेचने का पक्षकारों को खरीदने का इरादा था, दो में से दिया जा सकता है। दूसरा उदाहरण भी हैदराबाद का रट कर जाइएगा। ए बी से करार करता है लिखित में कि चलो हम लोग हैदराबाद चलेंगे, और जब जाने की बारी आई तो पता लगा कि भारत का हैदराबाद की पाकिस्तान का, क्योंकि हैदराबाद तो क्या निकले, दो। तो क्या इस बारे में साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं कि कौन सा हैदराबाद जाना था, ग्राह्य होगा। आइए 97 आपका ये कहती है कि देखिए 97 भाई, तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी तरह ठीक ठीक लागू नहीं होती, उनमें से एक को भाषा को लागू होने के बारे में साक्ष्य। यहाँ पूरा नहीं पढ़ना है, बस उदाहरण से निकल जाना है, पूछा कम जाता है, यहाँ बस एक लाइन संभाल लीजिए। देखिए, जो भाषा दस्तावेज में लिखी गई है वह भाषा जब धरातल पर लागू की जाती है तो उस दस्तावेज का कुछ भाग एक स्थान या एक वस्तु पर और कुछ भाग दूसरी वस्तुओं पर लागू होता है, यानी कि भाषा पूरी पूरी एक वस्तु पर लागू नहीं हो पाती। तो इस बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है कि किस वस्तु पर लागू होने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया। जैसे उदाहरण रामपुर और बलरामपुर का ले लीजिए। ए ने कहा कि मैं रामपुर की अपनी 100 बीघा संपदा बी को बेचता हूँ, पता लगा कि वैसी ही संपदा ए की श्यामपुर में भी है। अब रामपुर में जो संपदा का मॉडल नाम या नंबर वंबर लिखा गया दूसरे एरिया का और संपदा का नाम दूसरे का, तो सब आपका यानी कि दो जिलों में संपदा है और दोनों पर भाषा कुछ कुछ लागू हो रही है। तो इसको त्रुटि को सुधारने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। इसको ज़्यादा ना पढ़िएगा, कम पूछा जाता है। 98 पूछी जाती है भाई, 98 देखिए, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। न समझ में आए तो 98 का दृष्टांत रट्टा मार कर जाइए, मैं उसका उपाय बता रहा हूँ। न समझ में आए 98 तो दृष्टांत क्या करिएगा, रट्टा मार कर जाइएगा। मूर्ति 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 के साथ औजार भी, यानी कि जैसे कि 163 कॉन्ट्रैक्ट में है गाय के साथ बछड़ा भी वापस करो, तो उसी प्रकार आपका मूर्ति के साथ क्या, औजार भी। बस इतना याद रखिए, लेकिन पहले बैरक की भाषा देखिए, दो दो चार चार मिनट की धाराएं हैं। देखिए बैरक की भाषा भाई, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। ऐसी लिपि को जो पढ़ी न जा सके, तो कुछ तो बताइए जो पढ़ी न जा सके। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की लिपि आ गई, तो पढ़ी न जा सके तो इसका मतलब क्या है, न्यायालय में आकर क्या दिया जाए साक्ष्य। आपका अगला देखिए, जो सामान्यतः समझी न जाती हो, जैसे जो सामान्यतः समझी न जाती हो आम आदमी के बस की बात नहीं है, जैसे शॉर्ट हैंड ही लिख दिया गया, तो क्या शॉर्ट हैंड लिख दिया गया तो आपके समझ में आएगा कि जो विशेषज्ञ रहेगा उसका, वो तो लकीर ही तो खांची जाती है इधर उधर। इसके बाद अगला, विदेशी शब्द आ गए दस्तावेज में, तो आज भी विदेशी शब्द यूज किए जाते हैं भाई, मुस्लिम काल से ही आज तक विदेशी शब्द का यूज किए जाते हैं। अप्रचलित, अप्रचलित माने अब जो पहले प्रचलन में था लेकिन अब प्रचलन में नहीं है। परिभाषिक, अस्थानिक या प्रांतीय, अस्थानी माने लोकल और प्रांतीय माने एक प्रांत में जिसका यूज किया जाता है। संक्षेप, संक्षेप में जो शब्द लिखे गए हैं जैसे कामा बिंदु इत्यादि आप लोग देते हैं। और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ, विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है।
यानी कि इस शब्द का विशिष्ट या स्पेसिफिक सेंस क्या है, भाव क्या है, यह शब्द किस भाव में प्रयोग हुआ है। तो भाव पर दो उदाहरण हम बता रहे हैं। एक आपका भाव पर हम 98 का ही उदाहरण बताएंगे और एक बनारस का उदाहरण देखा जाता है भाई, स्थानीय भाषा भी, स्थानीय भाषा का भी। जैसे कि क्या गुरु, क्या हाल चाल है, तो अगर आपका बनारस में कहिए तो गुरु का मतलब दो होता है, एक बदमाश और एक अच्छा इंसान। तो ये इसी को इनोंडो कहा जाता है, वक्रोक्ति। जैसे कि कहा जाए कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, तुम भला चोरी कर सकते हो, इसका मतलब कि आपका कहने का इरादा 499 IPC में है कि आप ही घड़ी क्या किए चुराए। तो ये बोला जाता है, कमेंट कसा जाता है, आपका टीका टिप्पणी या इसको का द्वर्थी शब्दों को आपका क्या कहा जाता है, वक्रोक्ति इनोंडो। तो ये भी LLM में पूछा गया था पिछली बार, एक लोग आकर पूछ रहे थे इतना पढ़ाने के बावजूद भी कि ये वक्रोक्ति क्या होती है। तो दो अर्थों वाले शब्द, दो मुहा सांप जो होता है, न इधर का न उधर का है। आगे देखिए भाई, अब आइए आपका, अब दृष्टांत डायरेक्ट अटैक करिए, दृष्टांत पर अंडरलाइन कर लीजिएगा दृष्टांत। एक मूर्तिकार को मेरी सभी प्रतिमाएं ख को बेचने का करार करता है। एक मूर्तिकार को है बी से करार करता है कि मैं तुम्हें अपनी सभी प्रतिमाएं क्या करता हूँ, बेचूंगा। अब क्या इस, अब आइए क के पास प्रतिमान यानी कि प्रतिमा और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं, तो क्या यह दर्शित करने के लिए कि वह केवल प्रतिमा बेचना चाहता था कि औजार भी बेचना चाहता था, साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। बस एक लाइन रट कर जाना है, साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं। तो मूर्ति के साथ क्या बेचने का इरादा था, औजार भी, इस बारे में साक्ष्य ग्राह्य होगा कि अग्राह्य, ग्राह्य। बस एक लाइन, 99 अभी छोड़ दीजिए, 92 की पूरक धाराएं बताया जाएगा लास्ट में, क्योंकि फंस जाएगा मामला 91-92 में। 100 आ जाइए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बिल संबंधी उपबंधों की व्यावृति, यानी कि अगर कोई चीज वसीयत है और वसीयत की व्याख्या करनी है, निर्वचन करना है, उसके शब्दों का इंटरप्रटेशन करना है, तो ये एविडेंस के जो नियम हमने बताए दस्तावेज के निर्वचन के 93 से लेकर 98 तक, ये नियम लागू नहीं होंगे। तो आखिर दस्तावेज की व्याख्या किस कानून के अनुसार की जाएगी, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। बस पूछा नहीं गया, कभी छोड़ सकते हैं धारा, लेकिन एक लाइन याद रखिए कि अब निर्वचन पर आ जाया जाए, थोड़ा संविधान में एक क्वेश्चन बना लिया जाए। आपका संविधान का सबसे बड़ा इंटरप्रटेशन करता या व्याख्या करता या निर्वचन करता भारत में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर संविधान का निर्वचन करना है तो कम से कम कितने जजों की पीठ बनेगी, तो निर्वचन होगा 5। कौन सा अनुच्छेद है, 145, कौन सा भाई, ये बताया गया, ये कोई नहीं कह सकता कि अभी नहीं पढ़ा है सर। तो दो कंडीशन में कम से कम 5 जजों की पीठ, याद करिएगा, एक संविधान का व्याख्या या निर्वचन। अब TET में आया था संविधान का निर्वचन, जो GS वाले हैं अब आकर फोन करके पूछ रहे हैं कि निर्वचन किस चिड़िया का नाम है। अरे भाई, निर्वचन मैंने व्याख्या और क्या, उसका इंटरप्रटेशन। तो ला वाले तो भाई जान जाते हैं कि सर दो शब्द बता रहे हैं, निर्वचन और इंटरप्रटेशन व्याख्या, और GS वाले इंटरप्रटेशन जानते ही नहीं, और ला में तो LLM में बहुत व्यापक स्तर पर पढ़ना है। अगला देखिए भाई, आपका भाग 3 आया जाए। भाग 3, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, देखिए आपका बिहार में पूछा है, भाग 3 में क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन बना है। तो तीनों भाग अलग अलग तैयार रखिएगा, फिर मैं एक बार बता दूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 3 भाग दिए गए हैं और 103 भाग हैं,
इन तीन भागों में कुल 11 अध्याय हैं और इन 11 अध्यायों में कुल 167 धाराएं हैं। ये बिहार जे का क्वेश्चन है। अब ये पूछ सकता है कि कौन सी धारा निर्सित है, तो आपका यूपी में आया तो कौन सी धारा निर्सित है, दो, और कौन सी धारा अवैध हमने बताया 113। रटते रहिए। कौन सी सबसे पहले संशोधन एविडेंस में किस सन में 1938 कौन सी धारा समाप्त की गई, दो। अगला देखिए भाई, तो क्वेश्चन ये बिहार में बना है कि भाग तीन में क्या प्रावधान है, तो भाग तीन में क्या प्रावधान है, तो अच्छे से तैयार रखिएगा हेडिंग ही, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। क्या किसका प्रावधान है, साक्ष्य का पेश किया जाना, हेडिंग दी गई है, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। तीसरा अगला क्वेश्चन, भाग तीन कहाँ से कहाँ तक है, तो 101 से लेकर कहाँ तक, आपका 167 कहाँ से कहाँ तक, ये भी पूछा है 101 से लेकर कहाँ तक 167 167। अब आइए कुछ नियम बनाइए भाई ऐसे, तब बेरक शुरू होगा। देखिए आपका अध्याय सात में सबूत के भार में भार के विषय में प्रावधान है भाई। देखिए लिखवाया कम जाएगा, आप नोट जिसके पास ना हो नोट्स हैं ले लें और नोट्स लेकर भाई पढ़ें। नोट्स में काफ़ी विस्तृत लिखा गया है, एक बार आप पढ़ कर आइए इधर की धाराएं, कुछ नए सिद्धांत एक दो मिलेंगे, उसको आपको अलग से लिखवाया जाएगा क्योंकि नोट्स में है सब। देखिए फिर एक बार भाई, आपका सबूत के भार के विषय में प्रावधान अध्याय सात में किया गया है, धारा 101 से लेकर आपका 114 ए, ये याद रखना है। सबूत का भार, सबूत यानी कि प्रमाण, और भार मतलब दायित्व, प्रमाण और भार का मतलब क्या हुआ, दायित्व। अर्थात इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि वह कौन सा पक्षकार होगा जिस पर प्रमाण का या सिद्ध करने का या साबित करने का या सबूत का दायित्व होगा, यही पढ़ना हमें। आखिर वह कौन सा पक्षकार है जिस पर न्यायालय में साबित करने या प्रमाण का दायित्व होगा, तो आपराधिक मामलों में जो सबूत का भार होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वह अभियोजन पर होता है। ये कई बार पूछा गया, गलत ना हो। आपराधिक मामलों में सबूत का भार किस पर, किसको साबित करना है कि अभियुक्त ने अपराध किया, अभियोजन पर, और सिविल मामलों में सामान्यतः वादी पर, किस पर किस पर, वादी पर सिविल मामलों में, और क्रिमिनल में आपका अभियोजन पर, सबूत का भार। अब सबूत के भार के बारे में जो नियम दिए गए हैं वह 101 से लेकर 105 तक हैं, रटे रहिए। सबूत के भार के बारे में नियम अगर पूछ ले तो 101 से लेकर 105 तक हैं, और एक्सेप्शन दे दे तो 106 से लेकर 114 ए। नियम कहाँ से कहाँ तक, रट कर जाइए, 101 से कहाँ तक 105, अपवाद 106 से लेकर 114 ए, विपरीत नियम 106 स्पेशल 101 का अपवाद है, और खूब क्वेश्चन बनता है कि रेस एप्साला क्विटर यानी कि घटना स्वयं बोलती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, रेस एप्साला क्विटर का सिद्धांत की धारा में 106, 106 किसका अपवाद है स्पेशल 101 का पूछा जाता है। अब आइए सबूत के भार के बारे में तुरंत, अब आपका सामान्य बातें हो गई तो धारा देखा जाए। जो धारा आपका गलत होता है, पहला क्वेश्चन 101 और 102 से, इन्हीं दोनों को आपको अच्छे से जानना है, मैक्सिम सहित जानना है। देखिए ध्यान से, 101 सबूत के भार के बारे में प्रावधान करती है, तो पहले शब्द पकड़िए,
देखिए कैसे कैसे भरमा दिया है शब्दों को। सबूत का भार किस धारा में, तो कौन सी धारा मारेंगे, 101। सबूत का भार किस पर होगा, किस धारा में, हल्का सा मैं चेंज किया हूँ, फिर एक बार देखिए। सबूत का भार कहाँ दिया गया है, 101। सबूत का भार किस पर लाई होगा, किस पर होगा, तो जैसे ही किस पर शब्द आए, पहला टेक्निकल क्वेश्चन, यही गलती होती है, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ है, तो आप क्या मारेंगे, 101। सबूत का भार किस पर होता है, किस पर होगा, तो 101 नहीं, क्या मारना है, 102। पहला क्वेश्चन आपका 101 में सबूत का प्रारंभिक भार है और जब दोनों पक्षकार न्यायालय में आ जाते हैं तो ऐसी दशा में बर्डन ऑफ प्रूफ 102 से कवर होगा। तो अगला क्वेश्चन, सबूत का प्रारंभिक भार किस धारा में, 101 में, और जब दोनों पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हो गए तब सबूत का भार किस पर होगा, किस धारा में, 102 में। 101 में जो सबूत का प्रारंभिक भार है वह कभी नहीं बदलता, और 102 वाला जो सबूत का भार किस पर होगा वह सदैव बदलता है। ये खूब क्वेश्चन बनता है कि किस धारा के तहत सबूत का भार नहीं बदलता, तो कौन सी धारा, 101, और किस धारा के तहत बदलता है, तो 102 में। देखिए एमपी तमाम राज्य कभी कभी बदलता है, सदैव बदलता है, 102 में बदलता ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो सदैव बदलता रहता है किस धारा में, 102। रटते रहिए, 102 में सदैव बदलेगा। अब अगला क्वेश्चन, सबूत का भार 101 में और हल्का सा घुमा दे कि साबित करने का भार कहाँ है, तो साबित करने का भार 102। भाई शब्द पकड़िएगा, फिर मैं बता रहा हूँ। सबूत का भार 101 और हल्का सा चेंज कर दे शब्द, साबित करने का भार, तो क्या मारेंगे, 102। ये याद रखे, साबित पूछ ले। 101 में जो सबूत का भार है, मैक्सिम से आइए, इसको फैक्टा प्रोबाइंडा कहते हैं। फैक्टा प्रोबाइंडा का मतलब ये हुआ कि तथ्य को स्थापित करिए, और ओनस प्रोबाइंडा का मतलब हुआ आपका ओनस, देखिए आपका फैक्टा आ जाए तो 101, और जैसे ही ओनस शब्द दिखाई दे तो 102। और कुछ उपाय नहीं है इसका, भाई इतने कम समय में समझाना। जैसे ही ओनस प्रोबाइंडी आ जाए या प्रोबाइंडा, तो ओनस जैसे ही शब्द दिखाई दे कि किस धारा में है, तो कौन मारेंगे, 102। अब फैक्टा दे दे तो कौन सबूत का भार हमेशा बदलता रहता है, किस धारा के तहत, और किस में नहीं बदलता, प्रारंभिक भार किस में है, और किस में जब दोनों पक्षकार आ जाएंगे, 102। तो सबूत का भार किस में है, 101। सबूत का भार किस पर होगा, किस में, तो सबूत का भार किस में, 101, और साबित करने का भार, 102। भाई सतर्क रहिए, इतना क्वेश्चन। सबूत का भार आपराधिक मामलों में किस पर होता है, और सामान्यतः सिविल मामलों में वादी पर, वो अलग बात है। 101 में जो प्रारंभिक भार है वह सामान्यतः कभी बदलता नहीं है, लेकिन एक धारा इसका एक्सेप्शन है, और 101 का अपवाद कौन सी धारा है, 106। तो अगला क्वेश्चन, धारा 106 विशेष रूप से किस धारा का अपवाद, एकदम क्वेश्चन वाइड चलिए, अभी बेहर एकदम बताएंगे, पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए। 106 आपका स्पेशली किस धारा का अपवाद है, 101। और जैसे ही टिकट वाला उदाहरण आ जाए कि टिकट लिया था कि नहीं, तो 106 में जाएगा, तो पहले 101 अब शुरू किया जाए, उसके बाद 106। देखिए 101,
बेयर एक्ट में दम नहीं है भाई आपका, मैं बता दूं जो कंसेप्ट हमने, हाँ एक बार और देख लीजिए भाई, 107 से लेकर 114 ए तक प्रिजम्पशन दिया गया है, उपधारणाएं या अनुमान। तो उपधारणाएं स्वयं में साक्ष्य नहीं होती, दिमाग में बैठा रही है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करती हैं, अर्थात जिसके विरोध में उपधारणा या अनुमान लगाया गया है अब सबूत का भार उसी पर होगा। तो बताइए उपधारणा साक्ष्य है कि नहीं, नहीं है। उपधारणा करती क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ को, सबूत के भार को एक पक्षकार से किस पर ट्रांसफर कर देगी, दूसरे पर। तो आपका अगला क्वेश्चन आया कि उपधारणा में सबूत का भार किस पर होता है, उपधारणा कर लिया गया तो जिसके पक्ष में उपधारणा की गई है, जिसके विरोध में की गई है, दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए जिसके विरोध में की गई है अब उस पर सबूत का भार होगा कि जिसके पक्ष में, हाँ जिसके विरोध में, पूछा गया भाई सतर्क रहिए, किस पर होगा, जिसके विरोध में की गई है। तो आगे बताया जाएगा उपधारणा आपका, देखिए 101 देखिए, फिर 101 के साथ तत्काल 106 पढ़ा जाएगा। देखिए 101 सबूत का भार यानी कि प्रारंभिक यानी कि मामले को स्थापित करने का भार, प्राइमा फेसाई जिसे कहा जाता है, न्याय तो लिख लीजिएगा प्राइमा फेसाई। देखिए जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं जिन्हें वह प्राख्यात, प्रख्यात यानी कि मांग, डिमांड ना है तो लिख लीजिएगा, प्राख्यात करता है यानी कि मांग करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है जिस आधार पर हम अधिकार या दायित्व की क्या कर रहे हैं, मांग। अब पहला दृष्टांत देखिए, पहला नंबर, कौन न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया। तो बताइए न्यायालय से कौन मांग कर रहा है कि ख को हजूर दंडित किया जाए, क। तो सबूत का भार किस पर होगा, क पर, क्योंकि क मुकदमा चला रहा है तो अभियोजन हो गया या परिवादी, तो सबूत का भार किस पर होगा, ख पर नहीं बल्कि क पर होगा, क साबित करे कि हाँ ख ने ही ये अपराध किया। दूसरा दृष्टांत देखिए, कौन न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान, प्रख्यान मने दावा करना, स्वीकार करना, मांग करना, प्राख्यान और ख प्रत्याख्यान करता है, प्रत्याख्यान मने डिनाई, डिनाई मतलब इनकार, ना है तो लिख लीजिएगा, प्रत्याख्यान मतलब इनकार करता है, यह निर्णय दे कि ख के कब्जे की अमुक भूमि का वह हकदार है, यानी कि ख एक भूमि पर कब्जा रखा है, क कहता है कि ये भूमि मेरी है और मुझे कब्जा भी से हमें दिलवाया जाए, तो क को यह साबित करना होगा कि इस पर, इस जमीन पर हम कब्जे के हकदार हैं। तो किसको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वादी क था, अक ने किसके विरुद्ध मुकदमा कर रखा है, आपका ख का। देखिए इधर की धाराएं भाई सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होगी, लेकिन दो धाराएं हम ऐसी बताएंगे जो केवल क्रिमिनल में लागू होगी, इस बीच में 105 और 111 ए। तो कल और बताया जाएगा भाई, 7 बजे है नहीं तो, कल इसको तेजी लाएंगे थोड़ा एविडेंस को। तो भाई पहले आईपीसी चलेगी, आईपीसी लोगों का ज़्यादा दिक्कत है, एविडेंस 2-3 दिन आराम से चलते रहने दीजिए, लेकिन आप आईपीसी स्पीड में चलेगी, एविडेंस थोड़ा स्लो चलेगा बता दिया जाए। तो आईपीसी लेकर आइए और बेयर एक्ट लेकर आइए, उसी पर आपका केस हो, सब बेयर एक्ट पर ही लिखिए, थोड़ा थोड़ा आपका और एकदम शुरुआत से चलेगी आईपीसी भाई, रोज 80-100 धारा का टारगेट रखा जाए ताकि 3-4 दिन में क्या हो आईपीसी भी निपट जाए।